लिखे हैं सभी अध्यक्ष जी किसी भी देश की विदेश नीति अपने में कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती है, वरन वह किसी देश की आंतरिक नीति को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए हम अमेरिका को ले सकते हैं। उसने अपने यहां अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतू बच गया तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलाश करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हों। किंतु हमारी आंतरिक नीति ने यह तय किया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वदेशी मुद्रा की कोई राशि हमारे पास नहीं बचेगी। हमने कर भी लगा दिए और मुद्रा प्रसार भी कर दिया। कुछ संकट पड़ने के बाद इस बात की आवश्यकता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपयोग कर सकें। श्रीमान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि भारत की विदेश नीति ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिश की है? क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है कि बालिग मताधिकार के आधार पर UNO का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए? और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से कर लगाकर एक विकास का खाता खोल दिया जाए? जो देश विकसित हैं, उनके मजदूरों का एक घंटा हमारे देश के मजदूरों के 100 घंटों के बराबर माना जाता है, क्योंकि उनके पास साधन है। इसीलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है। किसी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो और वह दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और गरीबी के इस अभिशाप को समाप्त करेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूं। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते हमें परेशानी होती है, इसलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे, लेकिन पश्चिमी जर्मनी ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था,
उस समय उन्होंने देश की रक्षा